नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ मिथिलेश कुमार। अभी मैं बारसोई अनुमंडल अंतर्गत आबादपुर थाना क्षेत्र के आबादपुर ग्राम कचहरी के सरपंच महोदय सह सरपंच संघ के अध्यक्ष महोदय श्री शौकत अली उर्फ शौकत चौधरी साहब के साथ ग्राम कचहरी की समस्या को लेकर तथा सरकार में बिहार सरकार में जो ग्राम कचहरी का मामला उठता है उस पर उनके साथ कुछ खास बातचीत। सर, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम है शौकत अली चौधरी जी, और हम आबादपुर पंचायत के सरपंच हैं जी, सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं और बारसे प्रखंड के सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं जी सर। और हम साढ़े तीन टर्म से जो है हम सरपंच बने आ रहे हैं लगातार जी सर। हम कई बार मांग किए सरकार से, हम लोगों को वेतन भत्ता बढ़ाया जाए जी सर, उस पर अनदेखी हुआ। हम लोगों को सरकारी कार्य दिया जाए ताकि हम लोग जो प्रतिनिधि है हम लोग को सम्मान बने जी सर, सम्मान के लिए बोलते हैं जी सर। और हम लोग सरकार हम लोगों को जो वेतन भत्ता मिल रहा है, भत्ता कहा जाता है, भत्ता जो मिल रहा है हम लोगों को वो सम्मान योग्य नहीं है जी। ये आदमी को अगर एक पंच को 500 रुपया भत्ता दिया जाए महीना तो उसको तो चाय में नहीं जुमेगा जी सर, उसको तो 3 दिन का चाय का पैसा नहीं होगा। आ उनको सरकार ने, हमारा बिहार सरकार ने हमको, हम लोगों को जितना बिहार का जो है पंच है या सरपंच है उन लोगों को भत्ता दे रहा है, बोला है मानदेय। तो मानदेय का मतलब हमको सम्मान कर रहा है जो भी दे रहा है, तो सम्मान योग्य होना चाहिए ना, वेतन भत्ता होना चाहिए ना जी। सर, सबसे अहम सवाल आपके साथ सर, बोल सकते हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है ग्राम कचहरी की वो है एक नंबर जी सर। ग्राम कचहरी तो कहीं है कहीं है ये नहीं है जी सर। हम लोग चौराहा पर सालिश करते हैं बैठ के जी सर, घास के तले करते हैं, कहीं जगह मिला तो बैठ जाते हैं, और किसी का जगह अगर खाली है वहाँ बैठ जाते हैं, तो आता है जमीन मालिक बोलता है यहाँ से उठो जी, यहाँ से भागो, तुम लोगों को यहाँ सालिश करने कौन बोला, ये मेरा जमीन है जी। वो तो अधिकार सरकार दिया नहीं है जी सर। सरकार बोला है कि हम लोगों को आप कीजिए तो ग्राम कचहरी में कीजिए, तो ग्राम कचहरी सरकार को दिया कहाँ, बनाया नहीं है। सर, आपका ग्राम कचहरी का भवन भी नहीं है? नहीं है, एक नहीं है। सबसे दूसरी मुद्दा सर, आपका जो ग्राम कचहरी का मामला है सर, पूरे बिहार प्रदेश में जो विधानसभा के पटल पर उठा है, आप सर एक मजिस्ट्रेट के रूप में जाने जाते हैं न्यायपालिका में, आपको एक मजिस्ट्रेट का पावर इन्वेस्ट है सर। हाँ जी सर, आपके अधीनस्थ सर एक न्याय मित्र सरकारी वकील की भी नियुक्ति है, आपके यहाँ सर एक न्याय सचिव की भी नियुक्ति है जिसका मानदेय सर 6,000 है और न्याय मित्र का मानदेय सर 10,670 रुपये है, जो आपके अधीनस्थ कार्यरत हैं सर। हाँ सर, विधानसभा में जो मामला उठा है, विधानसभा के पटल पर जो ये मामला उठा है कि आपका मानदेय सर 20,000 का होना चाहिए और जब आप पद पर नहीं रहेंगे तो जो वेतनमान आपको भत्ता के रूप में दिया जाता है 20,000 होना चाहिए, उसका आधा आपको मिलना चाहिए सर। जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक वो आधी राशि आपको मिलनी चाहिए सर, जिससे आपके परिवार का भरण पोषण हो सके। हाँ, वैसे तो अगर करे सरकार तो हम लोग बहुत आदमी सरपंच जो है इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते हैं, राजनीति में रहना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे आहिस्ते आहिस्ते विलीत हो जा रहा है, कमते जा रहा है। और एक है, सरकार उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग को प्रतिनिधि बनाया है न्याय देने के लिए, हम लोग सरपंच है न्याय देने के लिए, लेकिन हम लोग के पीछे एक जोर बधा हुआ है जो आके सरपंच को, जो अनपढ़ सरपंच है उसको धमका रहा है पुलिस आके, पुलिस वाले धमका रहा है, हमारा पास आवेदन आ गया है जी, आपको कौन सालिश करने के लिए बैठने के लिए बोला जी, थाना के द्वारा सरपंच महोदय को धमकी दिया जाता है, ऐसी धमकी भी दी जाती है, दी जाती है नहीं देती है आज की जी, जो अशोभनीय है, जो अशोभनीय है वो हम लोग धमकी भी खाते हैं और हम लोग को सालिश करने में भी डांटता है कि आप लोगों को सालिश करना नहीं होगा, आप जाइए सबके घर, क्या कि एक विपक्ष पार्टी आपका
दिया है हमको आवेदन जी थाने में जी सर। अगर यहाँ सालिस करोगे जी तो हम जो मन सो धारा बैठा के फंसा देंगे। वैसे हुआ भी है, मेरा सरपंच के साथ हुआ भी है, जो कि मल्लापुर सरपंच गुलाम हैदर के साथ हुआ है। और सर अभी जो स्थिति है, सामने लोकसभा का चुनाव है, सर अगर सरकार आपकी इस समस्या का निदान नहीं करती है तो आप लोग सरकार के साथ क्या करेंगे सर? आपके संघ द्वारा ये कहा जा रहा है कि सामूहिक स्थिति की बात हो, मजबूर हो जाएंगे भूख हड़ताल करने में जी। सरकार हम लोग पर ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग भूख हड़ताल करने में मजबूर हो जाएंगे जी सर। और हम लोग जो है सरपंच संघ का जितना जो है बारसो प्रखंड से हो या किसी भी प्रखंड से हो जी सर, हम लोग उसमें जो है हस्तक्षेप नहीं करने जाएंगे और सारी नहीं करने जाएंगे, छोड़ देंगे। सर अभी जो समाज में अभी भूमि विवाद की समस्या है, आधी समस्या जो ग्राम कचहरी के द्वारा निपटारा किया जाता है। भूमि विवाद का समस्या जो है जी सर, भूमि विवाद का समस्या क्या है, धक्का मुक्की की जो समस्या है, पारिवारिक जो विवाद है वो तो 50% से बेसी, कम से कम रखिए 70-75% हम लोग समाधान करते हैं जी सर। हम तो न्यायालय का न्यायालय में अगर हम लोग उतना समाधान नहीं करते, न्यायालय में केस का ढेर लग जाता, फाइल केस का फाइल का ढेर लग जाता, रखने का जगह नहीं मिलता फाइल रखने का। सर तो काम हम लोग मांग, आप क्या मांगना चाहते हैं? हमारा मुख्य मांग है हम लोगों का जो है आप अध्यक्ष हैं सर, हम संघ के अध्यक्ष है, हमारा बिहार प्रदेश में कम से कम ये मानदेय इज्जतदार मानदेय सरकार हम लोगों को नहीं दे रहा है, इज्जत का कचरा कर रहा है। तो हम लोग का मानदेय सारा जो ग्राम कचहरी के लिए 4,000 रुपए आवंटन किए जाते थे कॉपी कलम कार्बन के लिए सर, उस पर आप क्या कहेंगे सर? उस पर ये कहेंगे कि 4,000 एक साल में अगर कॉपी कलम और पेन कहिए और सब अगर खर्चा भी छोटा छोटा जी सर खर्चा है वो सब से जुड़ने वाला या वो सब से जो मैनेजमेंट करने वाला तो नहीं है, वो तो लोग तो वो 4,000 से तो पूर्ति नहीं हो पाती है सर। उसके लिए कितना मानदेय कितना होना चाहिए? 10,000 होना चाहिए, कम से कम 10,000 ऊंचा जो भी हो। हम तो देखते हैं कि मेरा 10,000 से ऊपर खर्चा होता है तो हम अपना देना पड़ता है, क्या करेंगे उसमें नहीं देने पर भी काम रुक जाता है जी सर। कागज कलम के लिए कहिए और सब पेन के लिए कहिए और सब के लिए काम रुक जाता है तो अपना जेब से देना पड़ता है, उसका कोई लिखा पढ़ी नहीं है जी सर। आपकी मुख्य मांग क्या है सर संघ के? मेरा मुख्य मांग है कि हम जो है सरपंच संघ के अध्यक्ष है धारसे प्रखंड के, इस तरह से कम से कम बहुत प्रखंड है, सबको एक एक करके एक प्रखंड का अध्यक्ष भी है, उसमें सभी को जो है ना मानदेय से लेकर जी और ग्राम कचहरी का भवन तक जी सर, और ये जो 4,000 रुपया दे रहे हैं इस तक का मांग है कि समान जैसे करें, हम लोग हाथी घोड़ा नहीं मांग रहे हैं सरकार से, जो चलने लायक है जी सर, जो देने से जी आपका बिहार सरकार खुश रहेगा, बिहार सरकार चलेगा जी सर। हम लोग सरकार चलाते हैं जी सर, हम लोग निम्न स्तर में बैठे हैं लेकिन बड़का काम हम ही लोग करते हैं जी सर, इसलिए करते हैं कि घटना स्थल में हम लोग जाके देखते हैं कि आखिर घटना क्या है जी, सच्चाई को देखते हुए हम लोग इंसाफ करके जो है ग्राम कचहरी के द्वारा आदमी को राहत मिलता है जी सर, वो काम हम लोग करते हैं जी सर। हम लोग खरीदा हुआ गवाह पर जजमेंट नहीं देते हैं जी, कटिहार कोर्ट में कहिए, बारसोई कोर्ट में कहिए, किसी कोर्ट में कहिए, खरीदा हुआ गवाह भी कहीं जाके जजमेंट ये गवाही दे देता है और जजमेंट दे देता है और जो न्याय जिसको मिलना चाहिए वो न्याय उसको नहीं मिलता है, उस पर अन्याय हो जाता है। लेकिन मेरा ग्राम कचहरी बिहार में जो है जितना ग्राम कचहरी है सर जमीन में जाके जो सही है वही साबित मैंने करवा के कि नहीं ये सही है उसी। हाँ जी सर, आपके अधीनस्थ सर एक न्याय मित्र सरकारी वकील की भी नियुक्ति है, आपके यहाँ सर एक न्याय सचिव की भी नियुक्ति है जिसका मानदेय सर 6,000 है और न्याय मित्र का मानदेय सर 10,670 रुपये है, जो आपके अधीनस्थ कार्यरत हैं सर। सर विधानसभा में जो मामला उठा है, विधानसभा के पटल पर जो ये मामला उठा है,
कि आपका मानदेय सर 20,000 का होना चाहिए और जब आप पद पर नहीं रहेंगे तो जो वेतनमान आपको भत्ता के रूप में दिया जाता है 20,000 उसका आधा आपको मिलना चाहिए सर। जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक वो आधी राशि आपको मिलनी चाहिए सर, जिससे आपके परिवार का भरण पोषण हो सके। हाँ वैसे तो अगर करे सरकार तो हम लोग बहुत तो आदमी सरपंच जो है इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते हैं, राजनीति में रहना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे आहिस्ते आहिस्ते विलीत हो जा रहा है, कमते जा रहा है। और एक है सरकार उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम लोग को प्रतिनिधि बनाया है न्याय देने के लिए, हम लोग सरपंच है न्याय देने के लिए, लेकिन हम लोग के पीछे ये जोर बधा हुआ है जो आके सरपंच को जो अनपढ़ सरपंच है उसको धमका रहा है पुलिस आके, पुलिस वाले धमका रहा है, हमारा पास आवेदन आ गया है जी, आपको कौन सैलेंज करने के लिए बैठने के लिए बोला जी, थाना के द्वारा सरपंच महोदय को धमकी दिया जाता है, ऐसी धमकी भी दी जाती है, दी जाती है नहीं देती है आज के जी, जो अशोभनीय है, जो अशोभनीय है वो हम लोग धमकी भी खाते हैं और हम लोग को सालिश करने में भी डांटता है कि आप लोगों को सालिश करना नहीं होगा, जाइए सबके घर, कहे कि एक विपक्ष पार्टी आपका दिया है हमको आवेदन जी थाने में, थाने में जी सर, अगर यहाँ सालिश करोगे जी तो हम जो मन सो धारा बैठा के फंसा देंगे। वैसे हुआ भी है, मेरा सरपंच के साथ हुआ भी है, जो कि मल्लापुर सरपंच गुलाम हैदर के साथ हुआ है। और सर अभी जो स्थिति है, सामने लोकसभा का चुनाव है, सामने लोकसभा का चुनाव है सर, अगर सरकार आपकी इस समस्या का निदान नहीं करती है तो आप लोग सरकार के साथ क्या करेंगे सर? आपके संघ द्वारा ये कहा जा रहा है कि सामूहिक स्थिति की बात हो रही है, मजबूर हो जाएंगे भूख हड़ताल करने में जी, सरकार हम लोग पर ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग भूख हड़ताल करने में मजबूर हो जाएंगे जी सर। और हम लोग जो है सरपंच संघ का जितना जो है बारसोई प्रखंड से हो या किसी भी प्रखंड से हो जी सर, हम लोग उसमें जो है हस्तक्षेप नहीं करने जाएंगे और सारी नहीं करने जाएंगे, छोड़ देंगे सर। अभी जो समाज में अभी भूमि विवाद की समस्या है, आधी समस्या जो ग्राम कचहरी के द्वारा निपटारा किया जाता है, भूमि विवाद का समस्या जो है जी सर, भूमि विवाद का समस्या क्या है, धक्का मुक्की की जो समस्या है, पारिवारिक जो विवाद है वो तो 50% से बेसी, कम से कम रखिए 70-75% हम लोग समाधान करते हैं जी सर। हम तो न्यायालय न्यायालय में अगर हम लोग उतना समाधान नहीं करते न्यायालय में केस का ढेर लग जाता, फाइल केस का फाइल का ढेर लग जाता, रखने का जगह नहीं मिलता फाइल रखने का सर। तो काम हम लोग मांग, आप क्या मांगना चाहते हैं? हमारा मुख्य मांग है हम लोगों का जो है संघ के आप अध्यक्ष हैं सर, हम संघ के अध्यक्ष है, हमारा बिहार प्रदेश में कम से कम ये मानदेय इज्जतदार मानदेय सरकार हम लोगों को नहीं दे रहा है, इज्जत का कचरा कर रहा है। तो हम लोग का मानदेय सालाना जो ग्राम कचहरी के लिए 4,000 रुपए आवंटन किए जाते थे कॉपी कलम कार्बन के लिए सर, उस पर आप क्या कहेंगे सर? उस पर ये कहेंगे कि 4,000 एक साल में अगर कॉपी कलम और पेन कहिए और सब वगैरह खर्चा भी छोटा छोटा जी सर खर्चा है जी, उस सब से जुड़ने वाला या उस सब से जो मैनेजमेंट करने वाला तो नहीं है, वो तो लोग तो वो 4,000 से तो पूर्ति नहीं हो पाती सर, उसके लिए कितना मानदेय कितना होना चाहिए? 10,000 होना चाहिए, कम से कम 10,000 होना चाहिए, कम से कम 10,000 कम से कम ऊंचा जो भी हो, हम तो देखते हैं कि मेरा 10,000 से ऊपर खर्चा होता है तो हम अपना देना पड़ता है, क्या करेंगे उसमें, उसमें नहीं देने पर भी काम रुक जाता है जी सर, कागज कलम के लिए कहिए और सब पेड़ के लिए कहिए और सब के लिए काम रुक जाता है, तो अपना जेब से देना पड़ता है, उसका कोई लिखा पढ़ी नहीं है जी सर। आपकी मुख्य मांग क्या है सर संघ के? मेरा मुख्य मांग है कि हम जो है सरपंच संघ के अध्यक्ष है धारसोई प्रखंड के, इस तरह से कम बहुत प्रखंड है, सबको एक एक करके एक प्रखंड का अध्यक्ष भी है, उसमें सभी को जो है ना मानदेय से लेकर जी और ग्राम कचहरी का भवन तक जी सर, और ये जो 4,000 रुपया दे रहे हैं इस तक का मांग है कि समान जैसे करें, हम लोग हाथी घोड़ा नहीं मांग रहे हैं सरकार से, जो चलने लायक है जी सर, जो देने से जी आपका बिहार सरकार
खुश रहेगा, बिहार सरकार चलेगा। हम लोग ना सरकार चलाते हैं जी सर, हम लोग निम्न स्तर में बैठे हैं, लेकिन बड़का काम हम ही लोग करते हैं जी सर। इसलिए करते हैं कि घटना स्थल में हम लोग जाके देखते हैं कि आखिर घटना क्या है जी, सच्चाई को देखते हुए, सच्चाई को देखते हुए हम लोग इंसाफ करके जो है ग्राम कचहरी के द्वारा आदमी को राहत मिलता है जी सर, वो काम हम लोग करते हैं जी सर। हम लोग खरीदा हुआ गवाह पर जजमेंट नहीं देते हैं जी, कटिहार कोर्ट में कहिए, बारसोई कोर्ट में कहिए, किसी कोर्ट में कहिए, खरीदा हुआ गवाह भी कहीं जाके जजमेंट, ये गवाही दे देता है और जजमेंट दे देता है, और जो न्याय जिसको मिलना चाहिए वो न्याय उसको नहीं मिलता है, उस पर अन्याय हो जाता है। लेकिन मेरा ग्राम कचहरी बिहार में जो है, जितना ग्राम कचहरी है, सर जमीन में जाके जो सही है वही साबित मैंने करवा के कि नहीं ये सही है, उसी पर जजमेंट देते हैं हम लोग, और वो जजमेंट न्याय होता है, आदमी को राहत मिलता है। लेकिन हम लोगों पर यही न्याय देने के लिए जब हम लोग जाते हैं घटना स्थल पर जाते हैं तो यहाँ जाके पुलिस भी पहुंच जाते हैं जी सर, बिना आवेदन के पुलिस प्रशासन भी आवेदन, एक आदमी बचने के लिए पुलिस पर चले जाता है, लेकिन वो धारा जो है पुलिस का नहीं है, एक धारा होता है ना जी सर, ये धारा होता है कि नहीं पुलिस ही धारा है, पुलिस को छोड़ के सरपंच को नहीं आना चाहिए जी। और सरपंच के अधीन में वो धारा नहीं है, उसमें उसको जाना चाहिए, जाना चाहिए। लेकिन मेरे धारा पर, ग्राम कचहरी का धारा पर 323 हुआ, 324 आपको छोटा छोटा धारा जो है वो सब लेके जाकर मर जाते हैं। हम लोग बोलते हैं भाई हम लोग तो आए हैं जांच पड़ताल करके, सालिश करके न्याय करेंगे या मिला देंगे जी, ताकि इन लोग का जीवन सुखी हो जी। तो पुलिस लोग हम लोग को डांटते हैं, अरे हम लोग के पास एक आ गया आवेदन। सर आप मजिस्ट्रेट है, सरपंच को मजिस्ट्रेट का पावर है, तो उसको प्रशासन के द्वारा क्यों डांटा जाता है? ये बिहार का परंपरा है, बिहार सरकार ने छूट दिया है। तो इस पर सर प्रशासन पर भी आवाज सवाल उठता है सर, प्रशासन पर सवाल उठना चाहिए कि नहीं तुम लोग, सवाल उठना नहीं चाहिए सर, सवाल उठता है, सवाल उठता है सर, सवाल तो उठता है कभी कभार जी सर। तो पुलिस जो है न्याय हम लोग को दिलाने में टांग अड़ा देता है कि नहीं ये मेरे पास गया है, लेकिन हम लोग जो जानकारी है जिसको कि नहीं ये धारा जो है धक्का मुक्का वाला है, ये धारा जो है जमीनी है, कोई एक कड़ी या एक बिता या दो कड़ी दबा हुआ टरी लगा हुआ ये आपका नहीं है, हम लोग जाके वहाँ। सर सरकार आपकी इन सारी समस्याओं पर सुनवाई अति शीघ्र नहीं करती है तो इसका जवाब सामने जो लोकसभा का चुनाव है उसमें उन सरकार को इनका जवाब आपके द्वारा मिलेगा, मेरे द्वारा उसको, मेरे संघ के द्वारा, मेरे सरपंच संघ के द्वारा या मेरे बिहार सरकार में जितना सरपंच है सब मिलके हम लोग उसका जवाब देंगे जी सर, कि नहीं हम लोग पर अनदेखी हुआ सरकार का, तो हम लोग भी सरकार को अनदेखी करते हैं, इस सरकार को गिरा देते हैं। और कुछ मांग करना चाहेंगे सर मेरे चैनल के माध्यम से? हम लोगों का मांग यही है, मांग बेसिक या कम नहीं होता है, मांग न्याय का होता है जी सर, मांग हम लोगों का न्याय का मांग यही है, ताकि अगला आज के बाद हो या अगला इलेक्शन के बाद जो सरकार बने हम लोग को अनदेखी नहीं करे, मानदेय हम लोगों का 20,000 करे, मानदेय के बाद हम लोगों को पेंशन दे, ये नहीं करे कि 500 रुपया मानदेय पंच का और 2500 रुपया सरपंच का, तो हम लोगों को तो सरकार चोरी करने के लिए, हमको नहीं हम लोगों को सरकार चोरी करने का रास्ता दिखा रहा है, हम लोग न्याय क्या दिलाएंगे, हम लोग चोरी का रास्ता खोजेंगे, ये सरकार का नीति के हिसाब से बात नहीं। और कुछ करना चाहिए?